गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, केरला का क्लाइमेट बहुत ही अजीब और गरीब चल रहा है। जहाँ पे सब जगह ठंडियाँ चल रही है, यहाँ पे केरला में बहुत तेज़ बारिश चल रही है। तो काफ़ी बारिश का सीज़न चल रहा है और एवरीडे बारिश चल रही है। और हम लोग को जाना था बाहर घूमने फिरने के लिए और थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, बट हमारा प्लान वीकेंड में चौपट हो जाता है क्योंकि एवरी वीकेंड बारिश ही चलती रहती है और हम कहीं भी नहीं जा पाते। तो ऐसे ये वीकेंड चल रहा था हमारा और बाहर अच्छी खासी तेज़ बारिश चल रही थी। तो जेविन जा रहे हैं नहाने और क्लाइमेट, वैसे तो हमारा बाहर जाने का मूड था, संडे है ना, हॉलीडे। ओके, वेट वेट, अम्मची विल ओपन। सो वैसे हमारा बाहर जाने का मूड था, पर आफ्टरनून से ही बारिश शुरू हो गई, तो केरला का क्लाइमेट अभी बहुत ही हेवाई चल रहा है। तो बारिश 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 चल रही है और आप देख सकते हो अरे वेटिंग टाइम, रुको। तो यहाँ पे स्टार अपना होमवर्क लिख रही है, तो बस तब तक इन द मीन टाइम जेविन जाएगा नहाने के लिए। तो जेविन के लिए नहाना बोले तो प्ले टाइम होता है, वो अपने एनिमल्स के साथ खेलता है, नहाता है। और आज जेविन नहाएगा उसके मामा अर्थ के बॉडी वॉश के साथ, तो ये वाला। सो गाइस, मामा अर्थ के कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश के साथ आज जेविन नहाएगा और इसी के साथ। ओके, सो मामा अर्थ कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश इज हियर टू मेक बाथ टाइम टियर फ्री, नरिशिंग एंड ऊडल्स ऑफ फन। पैक्ड विद द नेचुरल एंड मॉइस्चराइजिंग गुडनेस ऑफ कोकोनट मिल्क, इट जेंटली क्लेंजेस, हाइड्रेट्स एंड नरिशेस योर बेबीज डेलिकेट स्किन। एंड थैंक्स टू टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इट सूदस योर बेबी स्किन टू। विद अ टियर फ्री फॉर्मूला, इट मेक्स श्योर नॉट टू इरिटेट योर मंचकिन सेंसिटिव आईज। गिव योर लिटिल वन अ बबली एंड अ हैप्पी बाथिंग एक्सपीरियंस विद कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश that is also made safe certified and allergy certified, and you won't find any silicones, parabens, minerals, oils and dyes in them. So guys, mama earth ke coco soft body wash mein hai coconut milk and turmeric. Coconut milk jo skin ko nourish karta hai, moisturize karta hai, aur turmeric to aapko pata hi hai, antibacterial properties hai usme jo aapke infections wagera ko dur rakhte hai. Aur dusri baat, जिन बच्चों को सोप से इरिटेशन होती है और सोप नहीं पसंद आता है, वो डेफिनेटली ये मामा अर्थ के बॉडी वॉशेस ट्राई कर सकते हैं। सो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट जो है वो मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और ये पूरा नेचुरल है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामा अर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, मतलब मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज बाय द ईयर 2025। मामा अर्थ जो है वो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब दे रिसाइकल मोर देन दे यूज, और ये एक इंडियन ब्रांड है, सो यू हैव टू सपोर्ट देम। सो गाइज, मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट भी है और उनका ऐप भी है। अगर आपने उनका ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए। और उनके वेबसाइट और ऐप से आपको उनके अर्ली सेल्स और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलेगा, तो जो यूजर्स होंगे मामा अर्थ के उनको डेफिनेटली सेल्स और डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। गाइज, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स उनके वेबसाइट और ऐप में तो मिलते ही है, साथ ही साथ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल मिलते ही है। और स्पेसिफिकली बच्चों के जो प्रोडक्ट्स है मामा अर्थ के, वो अमेजोन में और उन वेबसाइट और ऐप में प्लस फर्स्ट क्राई में भी मिलते हैं। गाइस, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो INDI2022 और आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in से। गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो शॉप मामा अर्थ प्रोडक्ट्स राइट नाउ। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। गाइस, जेविन हो चुका है नहा धो के रेडी, अब वो अगेन अपनी कलरिंग या ड्रॉइंग में लगने वाला है और उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है जेविन 3 fingers। ओके, क्योंकि जेविन की आदत है कि वो ऐसे पकड़ के लिखता है। जेविन, जेवियन, 3 fingers, यस। तो उसको बार बार बोलना पड़ता है और आप लोग उसकी ड्राइंग देखना, झटपट बनाता है वो सब कुछ। 3 fingers, 3 finger, झटपट उसकी ड्राइंग होती है। तो ये राइनो का बॉडी बन चुका है, बस मुंह वगैरह बनाने के टाइम वो खेलने चला गया। व्हाट इज दिस जेवियन, टेल मी फास्ट, रायो। जेविन की तबीयत अभी काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले के मुकाबले, अभी उसकी सर्दी खांसी भी काफ़ी कंट्रोल में है, वरना एवरी डे उसको सर्दी खांसी होती थी। अब वो नहा के निकला है और बाल वगैरह भी उसके ड्राई हो गए हैं और वो फ्रेश हो चुका है। और आप देख सकते हो उसका राइनो बन चुका है, बहुत इंस्टेंटली बनाता है वो। ये उसका राइनो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, यहाँ पर और एक राइनो है, तो आई थिंक ग्रुप में जा रहे हैं ना राइनो।
सो वो पहले ड्राइंग करता है, फिर उसको कलर भी करता है। तो ये आप लोग को याद होगा, मैं यहाँ से लेके आई थी डॉम्स के वैक्स क्रेयॉन, 100 रुपीज़ के ही थे। तो जेविन इसको एलिफेंट क्रेयॉन्स बोलता है। जेविन, व्हाट इज दिस? एलिफेंट क्रेयॉन्स। यस, तो वो बोलता है गिव माय एलिफेंट क्रेयॉन्स। तो ये एलिफेंट क्रेयॉन्स थे और ये डॉम्स के थे। कलर वाइज इट्स ओके, मतलब इसमें एक अजीब सा स्मेल है, आई डोंट नो क्या है, बट कलर वाइज भी काफ़ी सारे घूम गए हैं और कुछ कुछ टूट भी गए क्योंकि जेविन उसको इतना रफली यूज़ करता है। तो ऑल इन ऑल 100 रुपीज़ में ठीक ठाक है। मैं फेबर कैसल के नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी जब जेवी का ये ख़त्म हो जाएगा, जब सारे टूट जाएंगे, जब सारे घूम जाएंगे ना, तो मैं नेक्स्ट वो वाला ट्राई करूँगी। फिर अमेजोन से रिसेंटली मैंने ना ये वाले बुक्स मंगाए हैं जेविन के लिए, ये टाइगर वाले बुक्स, ये जो है ना, ये स्टोरी बुक। तो ऐसे मैंने 3 मंगाए थे जेवी के लिए। आप लोगों को पता है उसको एनिमल्स बहुत पसंद है, तो ये वाले एलिफेंट वाला, ये काओ वाला और ये टाइगर वाला, ये 80-90 रुपीज़ के बुक्स थे और बोर्ड बुक्स है ये। जेवी को बहुत पसंद है, वो अपने स्कूल बैग में एवरीडे एक एक डाल के ले जाता है और जब टीचर बोलती गिव मी अ बुक, तो वो ये बुक निकाल के देता है राइटिंग बुक के बदले। तो अच्छे बुक्स है, इसमें जो एनिमल्स है उनके बारे में लिखा रहता है, काफ़ी अच्छा स्टडी बुक है। Now let's see what star is doing. In the dark. What are you doing in the dark? चलो नहाने, अम्मा जी आएगी तुरंत, नहा लो, उसके बाद we have to organize your room. Yes. Okay, और सबको बता भी देंगे। My desk and my station section. तो आज स्टार काफी कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली, आप लोग को भी सारा कुछ दिखाएंगे ऑर्गेनाइज करते हुए। तो सब कुछ फैला हुआ है स्टार के डेस्क से लेके, पहले स्टेशनरी ऑर्गेनाइज कर देंगे, फिर स्टार का डेस्क भी ऑर्गेनाइज। यस, तो आज नहा धो के रूम रेडी करते हैं। ओके चल नहा के आओ। हाय गाइस, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी चलो रूम क्लीन करते हैं। लेकिन रूम क्लीन करने के पहले हम थोड़े स्नैक्स खा लेते हैं, ठीक है? तो बाहर नहीं गए तो क्या हो गया, बारिश का सीज़न चल रहा था, तो हमने सोचा थोड़े से अनियन पकोड़े बना लेते हैं। तो स्टार नहा रही थी और हमने सोचा इवनिंग स्नैक्स में आज हम लोग अनियन पकोड़े खाएंगे, क्योंकि अच्छा सा क्लाइमेट है तो ये खाने का मज़ा ही कुछ और है ऐसे बारिश वाले क्लाइमेट में। तो हमने फटाफट पकौड़े बनाए और साथ में मम्मी डैडी ने टी भी बना लिया अच्छा गर्मा गर्म, और तो हम सब ने मिलके गरम गरम कॉफ़ी, चाय और यमी से पकोड़े इन्जॉय किए। तो बच्चों ने ब्रेड के साथ खाए, केचप वगैरह डाल के, हमने तो ऐसे ही खाए, बड़ा मज़ा आया था और काफ़ी यमी यमी सा लग रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये खा के हमारा पेट इतना भर गया कि डिनर ही हमारा ख़त्म हो चुका था पकौड़े खा के। देवी देवी बड़े चाव से भजिया खा रहा है, उसको लग रहा है कि वो चिकन है देवी को लग रहा है भजिया चिकन है, वो देख के बोल रहा है चिकन है, इसलिए बड़े मजे से खा रहा है। अटका हुआ उस पे। सो गाइस, स्नैक्स खा के हो चुका है, अब हम लोग आ चुके हैं रूम में और चलो अब लेट्स गेट टू द मेन पार्ट। और ये स्टार का रूम है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए, ये स्टार का रूम है ऑफिशियली, ये स्टार को दिया गया है। यहाँ पे एक बेड भी है और यहाँ पे नीचे जेविन के सारे एक्टिविटी टॉयज रखे हुए। जेविन चलो आप बैठ जाओ साइड में। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा कैबिनेट्स पूरा मैसी हो चुका है पूरा। हम लोग मुंबई जाने से पहले, बहुत टाइम पहले स्टार ने ऑर्गेनाइज किया था, सो आप देख सकते हो कितना मैसी हो चुका है। तो ये पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेशनरी टूर भी कराऊंगी, स्टार का एंटायर स्टेशनरी। ओके जितने जितने ओके चलो सब निकाल लो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्टारलेट ने इंडिया में भी बहुत सारी स्टेशनरी इकट्ठा कर ली है। और अब क्या हुआ? ओके ओके बहुत सारे, देखो ये दो डेस्क तो खाली हो गए, नीचे का भी खाली कर, ऊपर भी है राइट? ऊपर देयर आर ऑल माय आर्ट सप्लाइज। तो गाइस अनलिमिटेड चीजें, खत्म ही नहीं हो रही, हो गई खत्म।
ये सब चीजें जो है ना फेंको इनको गाइस, अब स्टार बैठ के ये सब क्लीन आउट कर। सो गाइस एक प्रॉपर थंबनेल लेने भी जेवियर नहीं दे रहा था, बॉल बीच बीच में फेंके जा रहा है। राहू ओके सो ये यू कैन सी द मेस, ये सारा मेस है। अब ये स्टार इसको पूरा सॉर्ट आउट करेगी पूरा। चलो मैं अपने सारे कलर पेपर A4 साइज पेपर। तो यहाँ पे स्टार सबसे पहले अपना होल्डर्स वगैरह क्लीन करिए। तो स्टार ने एक बॉक्स में काफ़ी सारे होल्डर्स डाल के रखे और यहाँ पे जो स्टार के न्यू स्टेशनरी भी ली हुई थी ना वो भी स्टार ने सारा निकाल दिया क्योंकि उसकी भी वीडियो सारा बन चुका है। तो इसमें जितने भी स्टार के क्यूट पेंस स्केच पेंस जो भी है ना ये बॉक्स वाले होल्डर्स में स्टार सेग्रीगेट कर रही है। तो स्टार के पास इतने सारे पेंस स्केच पेंस क्यूट पेंस वगैरह है कि उसको इतने सारे होल्डर्स में भी उसके फिट नहीं हो रहे थे। तो हम लोग अलग अलग बॉक्सेस निकाल के इसको कहीं ना कहीं डालने का सोच ही रहे थे। तो गाइज ये कैमलिन का बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था ब्रश पेंस, तो अभी स्टार इसको निकाल के आराम आराम से करो ना, इतना क्या तुमको वो हो रहा है, क्लम्जीनेस। जितने फिट हो रहे उतने डालो ना। तो यहाँ पे ये वैस्किन का डब्बा था तो उसमें स्टार ये डाल रही है जिससे क्या होगा स्पेस कम वो हो जाएगा और जब भी ज़रूरत है ये डब्बा निकालो और फिर यूज़ कर लो। यहाँ पे कब से मैं और स्टार मिलके माथा फोड़ी कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज की हुई है वो सारी चीज़ें हमने इस तरफ कर करके रखी है और जो नई ऑर्गेनाइज हुई है ना वो सब इस तरफ रखे हम लोग ने और कचरा भी हम लोग ने जमा कर लिया है। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स निकले। तो अब स्टार को अपने स्टिकर्स रखने हैं, बहुत सारे स्टिकर्स है क्या तुम्हारे पास? जो आने के टाइम मैंने उनको फोल्ड कर करके रखी थी लेकिन इनको कैसे जितने आ रहे उतने रखो, बाकी अलग अलग करके रखो सब एक साथ ही, लेकिन जहाँ पे भी रखो सब एक साथ रखो। इसके अंदर डाल के रख दो स्टिकर्स, ये कवर कैमलिन का जो कवर है ना इसमें सारे स्टिकर्स एक साथ डाल के रखो, बॉक्स हट जाएगा फिर। ओके बॉक्स में कुछ और डाल के रख लेना, सारे स्टिकर्स एक साथ। तो स्टार और मैं मिलके स्टेशनरी ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इन द मीन टाइम जेवियन बोर हो रहा था तो मम्मी डैडी मिलके उसके साथ फुटबॉल खेल रहे थे, कैच कैच करके खेल रहे थे और जेवियन काफ़ी इंजॉय कर रहा था। तो उसकी ये एक्टिविटी चालू थी सबके साथ मिलके फुटबॉल खेलने की। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। तो ये है स्टार के सारे पेंटिंग्स सप्लाई जो सारे ड्रॉअर में आते हैं ऊपर वाले। बहुत कुछ है आपके पास, कहाँ है? But all I need is varnish. So guys, finally bed empty हो चुका है और सारा सामान अंदर आ चुका है, मतलब organized हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये drawer भी organized,
ये ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज्ड, ये ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज्ड एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ऑल दीज थिंग्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारा पेंटिंग ड्रॉर ऑर्गेनाइज्ड और यहाँ पे बैग्स है और वहाँ पे ये भी बहुत शोर मचा रहा है। ओके सो गाइज ये तो हो गया ऑर्गेनाइज, नाउ स्टार का डेस्क ऑर्गेनाइज करना है बट मैं ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी हूँ। और टेबल आप देख सकते हो पूरा कचरा जो अभी फेंकना है, इन सबको अभी उठा के फेंक देंगे एंड देन ये डेस्क फटाफट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सो फाइनली सारा स्टेशनरी ऑर्गेनाइज हो चुका है और जितना भी कचरा निकला स्टार उसको सारा कुछ समेट के पॉलिथिन में भर के फेंकने में डाल रही थी क्योंकि हम लोग को बाद में डेस्क वगैरह भी ऑर्गेनाइज करना था। और डेस्क का ऑर्गेनाइजेशन और टूर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डालूंगी, आप उसको भी देख लेना। एंड आई होप आपको स्टेशनरी व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एंटायर स्टेशनरी टूर मैं बहुत ही जल्दी डाल दूँगी। तो देखो गाइस कितना कचरा जमा हो गया है, मतलब एक क्लीनिंग में इतना सब कुछ निकल चुका है।